नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, 21 जून के दिन को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार यानी कि 2023 में 9वां योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों ने योग क्रियाएं की। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद जिले के गाँव जाजरू में भी इसका असर देखा गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी उम्र के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी ने योग क्रियाएं की और बढ़ चढ़कर योगा किया। आपको बता दें कि गांव जाजरू के सरपंच अजय डागर से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि सभी को योग करना चाहिए। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस योग दिवस से सभी को सीखना चाहिए कि अगर बीमारियों से बचना है तो सभी को योग करना जरूरी है। आज पूरे देश में योग दिवस मनाया जाता है। जैसे ही हमारे गांव के अंदर भी योग की क्लासें लगातार चल रही हैं, गांव के युवाओं में, माता बहनों में, बुजुर्गों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला है। गांव के कम से कम आज 40-50% लोग योग करने के लिए आए हैं। योग ही एक ऐसी क्रिया है जिसे करने से अपने शरीर को बिना दवाई के निरोगी काया किया जा सकता है। इसलिए अब योग ज़्यादातर लोगों को योग सिखाया गया, आज भी लोगों को प्रेरित किया गया है कि करो योग, रहो निरोग। तो क्या संदेश देना चाहिए? हमारा संदेश यही है कि जैसे कुछ छोटी छोटी बीमारियाँ, पेट में गैस, ऐसी जो काफ़ी समस्या ऐसी होती है जो योग के द्वारा हम सही कर सकते हैं। योग करना चाहिए, योग करना चाहिए। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।